आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें संत महात्माओं के श्रीमुख से सुनाई गई कथाएं, प्रवचन, भजन और बेल आइकन दबाकर पाएं हमारे चैनल की ताजा अपडेट। देखो, मंत्र विज्ञान में इतनी ताकत है, माफ करना, मंत्र विज्ञान में इतनी शक्ति है कि आप पक्षियों से बात कर सकते हैं। जमीन पर चलने वाली चींटी क्या सोच रही है ये आपको पता चल सकता है। ये मंत्र विज्ञान की ताकत है। अब हमारा चंद्रयान 2 जो गया था उसमें क्या था? पेट्रोल थी? नहीं। डीजल था? नहीं। उसमें ऐसे यंत्र लगे थे कि वो जब चलेगा तो सौर की ऊर्जा को लेकर के अपने आप उसमें वो सामर्थ्य आती जाएगी सोलर के माध्यम से, और अपने आप उसमें पेट्रोल की, डीजल की जो ताकत उसको चाहिए वो यंत्र के माध्यम से सूर्य से ग्रहण करेगा। अब कितने चक्कर उसने पृथ्वी के लगाए, फिर वो आकाश में गया, फिर चंद्रमा के कितने चक्कर लगाए, और यहां से उसका कनेक्शन था। ये मंत्र विज्ञान है, ध्यान देना। यहां लोग देख रहे हैं कि हाँ वो वहां पहुंच गया, कितने करोड़ किलोमीटर पहुंच गया, अब वो ऐसे घूम रहा है। अब चंद्रमा से ऊपर जाकर जब उसको उतरना है तो यहीं से उसकी गति में एकदम धड़ाम से गिरेंगे तो कैसे होगा? अब गति को वो नियंत्रित कर रहे थे। पता नहीं कितना, 7000 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से चलने वाले को 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर लाना है, तब वो उतरेगा यान पर, चंद्र ग्रह पर। बस वहीं जरा सा कुछ उसका कनेक्शन उसको नियंत्रित नहीं कर पाए, और मैंने देखा फिर वो, फिर उसका संपर्क टूट गया। अभी भी कहते हैं वो कितने वर्ष तक तो चंद्र की परिक्रमा देता ही रहे। ये मंत्र विज्ञान है, इतनी सामर्थ्य है इस मंत्र विज्ञान में। ये हमारे ऋषियों के द्वारा स्थापित जो मंत्र विज्ञान था, धीरे धीरे हमारा विज्ञान उसकी ओर बढ़ रहा है।